महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव ने कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से 5 अक्टूबर को झाड़ू के निशान का बटन दबाने की अपील की। उन्होंने गांवों की बदहाल स्थिति पर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो क्षेत्र में दिल्ली पंजाब की तर्ज पर विकास किया जाएगा। उन्होंने बेहतर अस्पताल और स्कूल खोलने का वादा किया और कांग्रेस प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। डॉक्टर मनीष यादव ने महेंद्रगढ़ के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर पिछले 45 वर्षों में क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांवों में जल भराव, गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जनता के समर्थन से वे क्षेत्र में विकास की नई दिशा तय करेंगे। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक तो आचार संहिता का उल्लंघन भी है और इस तरह के प्रलोभन देकर जो चुनाव से पहले सरकार बनी नहीं और आम लोगों के विश्वास को इस तरह से बांधना, झूठे तरीके से बांधना, ये बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है, वो झूठी घोषणाएं करती है, झूठी पर्चियां भी बांटती है और पर्ची खर्ची के आधार पे आज नौकरियों को भी कह रही है कि हम लोग यहाँ ले आएंगे, वहां ले आएंगे, काबिलियत चाहे कहीं भी हो, नौकरी हमारे अंगूठे के दम पर चलेगी, हमारी कलम के दम पर चलेगी। सर, आज कितने गांव का दौरा किया है, किस तरह का लोगों से आपको प्राप्त होगा? देखिए, रेस्पॉन्स तो आप अगर कैमरा घुमाकर देखेंगे तो जिस तरह से सभाओं में मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता है। आज सिर्फ इस 45 साल की राजनीति में जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, गांव की हालत अगर आपने देखी हो यहाँ आते वक्त, तो एक भी गली ऐसी नहीं है जिससे कि आदमी गुजर सके। हर गली में पानी और गंदगी, यानी कि जल भराव सब जगह पे, यहाँ पर बीमारियां पलने के लिए पानी इकट्ठा हो रखा है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। तो आज पूरे बेरी गांव ने ये मन बनाया है कि इस बार दोनों पार्टियों को छोड़कर ऐसी पार्टी जिसका बटन जब दिल्ली वालों और पंजाब वालों ने दबाया, झाड़ू का बटन दबाकर इस बार अपने आम आदमी के लिए मजबूत सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल जी की कौन सी 5 नीतियां जिनके ऊपर आप? केजरीवाल जी ने 5 गारंटी हरियाणा की जनता के लिए दी। पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली, उसके साथ में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पिछले पुराने बकाया बिल जो मनमाने तरीके से आज की सरकार ने आम लोगों पर थोपे वो सारे के सारे माफ होंगे। दूसरी गारंटी ये है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाकर बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह दिल्ली और पंजाब में बनाई, हरियाणा में भी बनाएंगे। हर गांव, हर शहर के मोहल्ला में आम आदमी क्लिनिक बनाकर, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर हर व्यक्ति को अच्छा इलाज दिया जा सके दिल्ली और पंजाब की तरह, उसको भी यहाँ चालू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। माताओं बहनों को हर महीने सीधे उनके खाते में 1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर माता बहन को उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपए देकर उनको मजबूत करना, उनको सशक्त करने के रास्ते पर चला जाएगा। और पांचवी और आखिरी गारंटी है हर युवा नौजवान साथी को रोजगार देने की गारंटी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, आम आदमी पार्टी के समर्थन से किसी की भी सरकार बनते ही सारे के सारे युवा साथी जो आज बेरोजगारी से जूझ रहे उनके हाथ में रोजगार होगा।